हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग जीओसी का जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। एक्चुअली वो कमेंट आया था आपका मैसेज, आप में से किसी का, जेई मेंस और नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर एक वीडियो बनाने। तो मैंने क्या किया कि जितने भी इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो हैं, जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो मैंने टोटल लिया और टोटल आपके सामने है। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो इसके बाहर मुझे नहीं लगता ऐसा कि कुछ बचता है और कुछ पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा जीओसी में यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा कि बहुत सारे पर्सनल क्वेरीज भी आते हैं, तो यार वो सारा कुछ आप फिजिक्स इन प्लेग्राउंड @gmail.com पे मैसेज कर सकते हो। जैसा कि मैं बताऊंगा, चार पांच कुछ है वो बताता हूँ आपको, पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। तो देखो, चार पांच चीज़ें इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, प्यूरिफिकेशन मेथड, आपको इतना चार चीज़ें मालूम होना चाहिए, तब जा करके सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाओगे। बाकी ये पेज में जितने भी दिए हुए हैं कॉन्सेप्ट, अगर ये टोटल कर लेते हो उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ भी बचेगा। जैसे कि एक बार दिखा देता हूँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 2017 में पूछा था। आइसोमेरिज्म में टोटोमेरिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली, ज्योमेट्रिकली, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, SNR, ईयर लिखा हुआ है सारा कुछ, कब कहाँ कैसे पूछा गया। इनेंसियोमर, डाइस्टेरियोमर, फिशर प्रोजेक्शन, मेजो रेस्मिक रिजोल्यूशन करके पूछा गया था 2015 में, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव पूछा गया था 2016 में। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म न्यूमैन, और कौन सा स्टेबल होता है, स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है इक्लिप्स से, ये भी कब पूछा गया है, ईयर देख लेना। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और ये मेरे नोट्स में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, का आप लोग ऑर्डर जरूर याद रखना, प्लस आई माइनस आई, नीट 2018 में पूछा गया था। बाकी यहाँ पे और भी बहुत कुछ दे रखे हैं तो वो देख लेना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एनायन फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है, टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, SN1 SN2। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कब पूछा गया है लेटेस्ट में सारा कुछ लिखा हुआ है। प्यूरिफिकेशन मेथड, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट जेई मेंस 2018 में पूछा गया है। मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी और क्रिस्टलाइजेशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी देख लेना, बहुत कोई छोड़ के चले जाते हैं। लेजिंग्स मेथड, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, तो ये रहा आपका लेजिंग्स मेथड। कुछ चीज़ें मैंने लिख भी दिया है कि मे भी आपको कहीं ईजिली ना मिले। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नीट 2018 में पूछा था। कैसे कंपाउंड दे देते हैं, बोलते हैं कि sp2 sp3 sp sp है, कौन सा क्या है ऑर्डर में बैठा दो। काउंटिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछा जाता है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं। लेटेस्ट का पूछा गया है वो भी यहाँ पे लिखा, और प्रोटोनेशन। तो बस इतना ही कुछ है और ये मैं आपको सारा कुछ टेलीग्राम पे इमेज क्लिक करके दे दूंगा। तो ये हुआ जीओसी। और बात रही ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक की, तो अगर नोट्स पूरा कवर कर लेते हो, जेई मेंस कर लेते हो और नीट के प्रीवियस ईयर कर लेते हो, मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। ठीक है, ये था पढ़ाई की बात। अब कुछ पर्सनल मैसेज क्वेरी था वो मैं, पहला तो एक है नीट पोस्टपोन का, तो इतना बता देता हूँ मैं, अब उस पर कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं, देखो नीट मुझे देना नहीं है। और एक्चुअली है क्या कंडीशन अभी, एक तरफ मैं अकेला सारे यूट्यूब में एक तरफ, और स्टूडेंट का देखा जाए 87% इधर है भीड़ में और 13% सिर्फ इधर है। तो जो भी होगा आपके भलाई के लिए हो, आपके अच्छा के लिए हो, बस ये ना मुझे एग्ज़ाम देना ना मुझे इससे कुछ, ये तो मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये मुझसे मत पूछो क्या पोस्टपोनमेंट और ये सारा कुछ, कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, जो होगा सो होगा। कट ऑफ मार्क्स हिमाचल प्रदेश का था या उत्तराखंड, याद नहीं है एग्जैक्ट, जो भी था कट ऑफ मार्क्स, एक बात याद रखना, कट ऑफ मार्क्स आपका डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे, क्वेश्चन पेपर कैसा है उस पे कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करेगा। बट ऐसे बोलते हो तो 580 आप लेकर के चलना। कहाँ से हो आप, हाँ जी बिहार से हूँ, ऐसा बार बार कमेंट आता है, बिहार से हो क्या,
हाँ जी बिहार से हूँ मैं। दूसरा USMLE की प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ जी USMLE का प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। USA जाना है, अब उतना डीपली नहीं बताऊँगा क्या है क्या नहीं। और फिर है कि आप किससे पढ़ते हो, तो डॉक्टर नजीब, और मेरे लिए ये दुनिया के सबसे नंबर वन टीचर बोल लो या प्रोफेसर बोल लो, ठीक है, सबसे नंबर वन टीचर हैं ये। एक होता है ना कि आपको कितना आता है, बार बार बोलता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, टीचर क्या होता है ये इनसे समझ में आता है, ठीक है। और इनसे अच्छा मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्सप्लेन कर पाएगा मेडिकल को, ठीक है, कुछ भी मेडिसिन ले लो। न्यूरोलॉजी तो यार कोई नहीं पढ़ा पाएगा, न्यूरो एनाटॉमी का मेरा बुक देखते होगे, बार बार बोलते होगे इस ईयर उस ईयर, नहीं भैया न्यूरोलॉजी आपको जन्म जन्म तक पढ़ना रहेगा जब तक आप करते हो, क्योंकि USMLE का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरोलॉजी, एम्ब्रियो पैथो फिजियो सब उसका पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और इनसे अच्छा मुझे नहीं लगता, और ये बता दे रहा हूँ पाकिस्तान के हैं, ठीक है, पाकिस्तानी टीचर है, रहते USA में हैं और पाकिस्तान के हैं ये, और मेरे लिए नंबर वन है पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, जो सच है वो है। अब एक बहुत ही फालतू क्वेश्चन था, सैलरी कितना, तो देखो यार मिथ होता कि डॉक्टर के पास बहुत पैसा होता है, ठीक है, ये महाफालतू क्वेश्चन है, नाम नहीं लूंगा टेंशन मतलब, पर ये मिथ है कि बहुत पैसा, दूसरों से कंपेयर करो तो उनसे ज़्यादा होता है, बट सबसे ज़्यादा होता है ये आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। दूसरे से कंपेयर करोगे तो ठीक ठाक होता है, अगर MS कर लेते हो तो 5L पर मंथ, और अलायंसेस वगैरह देते हैं तो 3L, मतलब ऐसा होना चाहिए। अब जैसा मेरा है कि आप भैया अपना जॉब अपने पास रखो, अगर इतना नहीं कर पाते हो तो, और मेरा डिग्री मेरे पास रहने दो, जो भी है सो आप इस पे कुछ ये मत करना, खुद से ही सारा कुछ जज मत करने लगना, तो ये मिथ होता है वो मैंने आपको बता दिया। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आई नो।